पिछले वीडियो में देखा था कि सू यिन योन ली से कहती है कि वो उसके बॉडीगार्ड को अपना पार्टनर बना ले क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं है, तो योन ली उसे मुंह तोड़ जवाब देती है कि उसका बॉडीगार्ड तो उसका लवर है, कितनी शातिर है वो। ये सुनकर सू यिन पहले तो चुप सी हो जाती है, फिर कहती है कि योन फैमिली का एक राज है जो यहाँ किसी को नहीं पता, अगर सबको पता चल गया तो योन फैमिली की जो इज्जत बचेगी वो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही योन ली चुप सी हो जाती है। सू यिन ट्रेडिशनल ड्रेसिंग करके स्टेज पर जाती है और अपना डांस दिखाने लगती है। उसका डांस देखकर योन ली हंसती है और फिर अपना कमाल दिखाने के लिए स्टेज पर जाकर कमाल का डांस करने लगती है। योन ली को डांस करता देखकर सू यिन कंफ्यूज हो जाती है और ठीक से डांस नहीं कर पाती। उसका डांस देखकर आखिरकार दो लोगों को फ्लैशबैक नजर आ ही जाता है। योन ली के सामने सू यिन का डांस चुल्लू भर पानी जैसा होता है। सबको योन ली का डांस बहुत पसंद आता है। डांस करने के बाद योन ली जैसे ही वापस आ रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है, तभी डू लोंग जाकर उसे बचा लेता है। ये देखकर सू यिन जल जाती है। नेक्स्ट डे योन ली से मिलने फेंग आता है और कहता है कि मैंने सुना है कल रात तुमने डू फैमिली के सामने अपना डांसिंग स्किल दिखाया। योन ली कहती है कि उसने किसी को मजा चकाने के लिए ये सब किया। फेंग कहता है कि वो यहाँ उसके कजन के बारे में बताने आया है। अब तक जो उसने एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो अनफेवरेबल हैं और उसने उसके पीछे अपना एजेंट लगाया है जिससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। योन ली कहती है कि इस न्यूज़ को हमारी फैमिली ने सीक्रेटली ब्लॉक कर दिया है जो डू लोंग को भी पता नहीं है, लेकिन कल रात सू यिन ने इस बारे में बात की। फेंग कहता है तो क्या उसने वो सब किया होगा। तभी योन ली का डैड आता है और उसके साथ डू लोंग भी आता है। उसे देखकर योन ली पूछती है कि वो यहाँ किस लिए आया है। डू लोंग कहता है कि वो कल रात के लिए सॉरी बोलने आया है। फेंग कहता है कि डू फैमिली ने लो लेवल मिस्टेक की है। दोनों के बीच बातों वाली जंग स्टार्ट होने वाली होती है तो योन ली का डैड डू लोंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद योन ली फेंग से कहती है कि मैं तुमसे एक लीगल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर एक लड़की दो लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही हो तो उसे क्या सजा मिलेगी। फेंग कहता है कि वो मजाक कर रही है क्या, ये लीगल इशू नहीं है, ये मॉरल इशू है। अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो लाइफ टाइम तक साथ रहते हैं। डू लोंग अपने घर होता है तभी पीछे से सू यिन उसे सरप्राइज देने के लिए जैसे ही शोल्डर पर हाथ रखती है तो डू लोंग उसे जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे सू यिन खुद ही सरप्राइज हो जाती है। सू यिन गाल पकड़कर बैठी होती है तो डू लोंग उससे अपनी रूम की चाबियां मांगता है। सू यिन चाबियां देकर कहती है कि उसने उसके लिए चिकन सूप बनाया है, वो उसका ख्याल रखना चाहती है। डू लोंग कहता है कि वो चिकन सूप नहीं पीता। सू यिन कहती है कि जैसे ही वो सूप पी लेगा वो चली जाएगी। तभी दिखाया जाता है कि सू यिन ने डू लोंग के लिए जो सूप बनाया उसमें वो कोई मेडिसिन डाल रही होती है, पर होंग जे ने उससे एक गोली डालने के लिए कही थी पर सू यिन ने आधी से ज्यादा मेडिसिन डाल दी। डू लोंग उसे भगाने के लिए उसका लाया हुआ सूप पी लेता है तो सू यिन कहती है कि उसने सुबह जल्दी उठकर उसके लिए सूप बनाया तो क्या वो थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकती है। ये सुनते ही डू लोंग उसे धक्के मार कर निकाल देता है। घर से निकल जाने के बाद सू यिन कहती है कि डू लोंग बस थोड़ी देर और, यह कहते ही उसके घर की तरफ देखती है। डू लोंग बात ले रहा होता है तभी सू यिन का प्लान काम कर रहा होता है। डू लोंग को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। योन ली दादा से बातें कर रही होती है और उन्हें खुश करने के लिए वाइन पिला रही होती है तो अंकल भागते हुए आता है और कहता है कि एक अच्छी न्यूज़ है, डू फैमिली का बेटा कल रात कोमे में था, शायद मरने वाला है। ये सुनते ही योन ली डू लोंग से मिलने जाती है पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता तो योन ली कहती है कि उसे डू लोंग से मिलना है। तभी सू यिन आती है और उससे कहती है कि उसका डू लोंग से क्या लेना देना, क्या उसके फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसे यहाँ आने की फुर्सत मिल गई।
सुयेन कहती है कि वह पर्दे के पीछे कल्प्रेट को ढूंढने वाले हैं, तो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। सुयेन कहती है कि फिर देखते हैं कि कौन हंसता है और कौन रोता है। ये कहते ही वो इतरा कर ढूलों के पास जा रही होती है, तो गार्ड उसे रोक कर कहता है कि तुम तो अंदर जा ही नहीं सकती। ये सुनते ही योनली मुस्कुराने लगती है, तभी वो बाहर आता है। दूसरी तरफ अंकल दादा से कह रहा होता है कि डूलोंग कोमा में है, तो उन्हें वो काम करना चाहिए जो डू फैमिली करती है, पर योनली का डैड इस बात से एग्री नहीं करता। तो दादा अंकल से कहता है कि वो ये काम करे, अगर नुकसान होता है तो वो जिम्मेदार होगा। योनली भी वहाँ आती है, वो भी इस बात से एग्री नहीं करती, पर अंकल ये काम करना चाहता है। योनली फिर से डूलोंग से मिलने जाती है, तो गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। तभी पीछे से वुवे आता है, जिसके बाद योनली डूलोंग के पास जाती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम कोमे में थे। डूलोंग कहता है कि कितनी अफसोस की बात है। योनली कहती है कि क्या वो हमेशा लोगों को इस तरह मिस इंटरप्रेट करना पसंद है। डूलोंग कहता है कि क्या वो जानती है कि उसके योन फैमिली ने डू फैमिली को सरप्राइज करना शुरू कर दिया है। योनली कहती है कि अब जबकि तुम ठीक हो गए हो तो मुझे जाना चाहिए। कहते ही वो जा रही होती है, तो पीछे से डूलोंग कहता है कि उसका आना इनसिंसियर है, कम अज कम वो उसकी तरफ देखे तो सही। ये सुनते ही योनली उसके पास जाती है और कहती है कि देख लिया बस, और फिर से जा रही होती है, तो डूलोंग उसका हाथ पकड़कर बिठाता है और कहता है कि उस रात जब तुम डांस कर रही थी तो मेरी आंखों के सामने हमारे पिछले जन्म की कुछ बातें आ गई थी। ये कहते ही दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी बाहर से सुयेन अंदर जाने के लिए लड़ रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि योनली अंदर है, इसलिए वो भी जाना चाहती है। तभी योनली बाहर आती है और कहती है कि वो डूलोंग से क्यों नहीं मिल सकती और वो कौन होती है डूलोंग से मिलने वाली। सुयेन कहती है कि वो डू फैमिली की बड़ी बहू है, जिसे डूलोंग की मॉम ने पसंद किया है। तो इस पर योनली कहती है कि वो अब भी खुद को उस घर की बहू समझती है, बच्चों वाली सोच है उसकी। ये सुनते ही सुयेन उसे पुश करती है, तो उल्टा खुद ही गिरने वाली होती है, तो वुवे उसे बचा लेता है। उसके बाद सुयेन डॉक्टर के पास जाती है और अपने अदाओं से उसे दीवाना बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो डूलोंग से मिलना चाहती है और एक डॉक्टर है जो उसे डूलोंग से मिलवा सकता है। डॉक्टर उसके अदाओं पर फिदा हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर डूलोंग के गार्ड के पास जाता है और कहता है कि डूलोंग के रिपोर्ट्स आ गए हैं, वो उसे दिखाना चाहता है। गार्ड डॉक्टर के साथ जाता है, तो पीछे से सुयेन छुपके से डूलोंग के पास जाती है, पर वहाँ डूलोंग नहीं होता, उसकी जगह वुवे लेटा होता है। सुयेन बड़ी खुश होकर उसके पास जाती है और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने आई हूँ, प्लीज कुछ बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम जाग रहे हो। उसे यकीन दिलाने के लिए वुवे डूलोंग की आवाज निकाल कर उसका नाम लेता है। सुयेन कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके साथ कैसा बिहेव करता है, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ये कहते ही वो उससे चिपकने लगती है, तो वुवे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उड़ जाता है। उसे देख कर सुयेन डर जाती है। योनली जा रही होती है, तो डूलोंग उसके पीछे आकर कहता है कि वो कहाँ चली गई थी और उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो क्या कल फिर से याद करने की कोशिश करें। योनली पूछती है कि तुमने कोमा में होने का नाटक क्यों किया। डूलोंग कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि उसे पता चल सके कि उनका असल दुश्मन कौन है, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि योन फैमिली इस बात पर जल्दी यकीन करके उनके ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। तभी एक बच्ची फ्लावर सेल करने आती है, डूलोंग उससे फ्लावर लेकर बड़े प्यार से योनली को देता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या डूलोंग योनली को प्रपोज कर पाएगा, ये तो लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा।